ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानी ज्ञानशलाक चक्षुन्मित श्रीगुरव नम नमो विष्णुपादय कृष्ण प्रेषाए भूतलेष्ते भक्ति वेदापस्वाने नमस्ते सारस्वतीदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चातरिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासाधिगौर भक्तृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे <coughs> हरे हरे कृष्ण तो भगवत गीता अध्याय दो श्लोक संख्या ग्यारह श्री भगवान वाचा तो पिछले श्लोक में अः तो अर्जुन ने संजय बोलते कि अर्जुन न नोथ्य गोविंद उत्तराबू मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसे बोल के अर्जुन चुप बैठ गया और तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन भारत सैन्योभ्ये विशीदंत इदम ऋषिकेश कृष्ण प्रहसनिव प्रहसन, निवा, प्रहसन निवा, जैसे वो आ, हस, हस नहीं रहा है मुस्कुरा रहा है कृष्णा मुस्कुरा के आ, सेने और, और दोनों से, से सेनों के बीच में विषीदंतम इदम वचहा विषीदंतम जो विषाद में डूब गया था वो अर्जुन को ये बात कही क्या कही भगवान ने श्री भगवान वाचा असोचन शोचस्तम प्रज्ञा वादाशाच भाषसे गतासुन अगत ना नानुसोचन्ति पंडिताः श्री भगवान ने कहा तुम पंडित पांडित्यपूर्ण वचन कहते हैं कह, कहते हुए उन उसके लिए शोक शोक कर रहे हो जो शोक करना है योग्य नहीं है जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए नहीं मृत के लिए शोक करते हैं तो यहाँ भगवान ये उनका पहला उपदेश है या पहला श्लोक है जो तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ और आ, सीधी और डांट रहे हैं तो तात्पर्य में भगवान रूप जी बोलते हैं कि भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कह कर डांटा तो पहले वाक्य है ये कुछ अच्छे के नहीं बोल रहे भगवान ऐसे की नहीं हाँ ठीक है दुखी मत हो मैं तुमको समझाता हूँ नहीं भगवान क्या बोल रहे अभी हम्म बोल रहे कि तुम मूर्ख हो मूर्ख जैसी बात कर रहे हो तुम क्यों क्योंकि जो विद्वान होते हैं तू तो विद्वान की तरह बात कर रहा है लेकिन असली विद्वान नहीं है क्योंकि जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए नहीं मृत के लिए शोक करते हैं तो तुम विद्वान की तरह बातें करते हो किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वो जीवित हो या मृत शोक नहीं करता तो ये असली ज्ञान है <coughs> तो यहाँ तो पहली बात यह है कि गुरु जो है वो ऐसे नहीं कि गुरु अच्छे अच्छा बात ही बोलते ना गुरु डांटते हैं अगर शिष्य गलत कर रहा है तो गुरु डांटते हैं और ये जो जब गुरु से हम हमको डांट मिलती है तो वो उनका कृपा होती है ऐसे नहीं कि वो डांट, वो गुरु डांट डांट गुरु रहे तो आ, मैं उन उनका बात नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा ऐसे है जब हमको गुरु से डांट मिलती है तो वो कृपा है तो उनका कृपा है तो वो कृष्ण यहाँ डांट रहे प्रत्यक्ष रूप में डांट रहे कि तुम मूर्ख हो तुम विद्वान जैसे आ, सिर्फ विद्वान की तरह बातें करते हो क्यों विद्वान की तरह बातें करते हो तुम ये तर्क दे रहे हो वो तर्क दे रहे हो इसका ये कारण दे रहे हो वो कारण दे रहे हो युद्ध नहीं करने के लिए ये सब बहुत सारे कारण दे रहे हो लेकिन तुम विद्वान नहीं हो क्योंकि तुमको असली ज्ञान क्या है वो पता नहीं है और वो ज्ञान क्या है जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है जिस व्यक्ति को शरीर क्या है और आत्मा क्या है इस ज्ञान जिसके पास है जिस जिसने इस ज्ञान को प्राप्त की है वो किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वो जीवित हो या मृत हो शोक नहीं करता ये तो संपूर्ण विरुद्ध है जो लोग भौतिक संसार में हम हम क्या करते हैं हमारा हमारा ये शरीर के बारे में हम इतना चिंता करते हैं और शरीर के लिए कुछ हो गया थोड़ा बहुत दर्द हो गया या बुखार हो गई वो तो बहुत आतंकित हो जाते हैं और शरीर के लिए बहुत व्याकुल हो, हो जाते हैं तो यहाँ बोलते हैं कि शरीर के लिए चाहे वो जीवित हो या मृत हो तो जो असली ज्ञानी है वो दुखी दुख नहीं दुख का अनुभव नहीं करता है जब शरीर को कुछ होता है और कोई अगर शरीर छोड़ दी आ, आत्मा एक शरीर से दूसरी शरीर आ, जाती है तो उसको मृत्यु बोलते हैं जब किसी का मृत्यु होती है तो वो शोक नहीं करता है क्योंकि वो शरीर को नहीं देख रहा है वो आत्मा को देख रहा है और आत्मा को देख के ये पूरा अभी जो ग्यारहवे श्लोक से तीस श्लोक संख्या तीस तक ये इसको आत्मज्ञान बोलते हैं कृष्ण पहला विषय जो अर्जुन को उपदेश दे रहे वो पहला विषय क्या है आत्मज्ञान कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है।, तो ये, ये बोलते है आध्यात्मिक ज्ञान में ये आरंभिक विषय है कि हम ये भौतिक शरीर नहीं है हम आध्यात्मिक आत्मा है और इसका प्रोपात कहीं और बोलते हैं कि अः ये तो हमने बहुत पारे बहुत सारे बार सुना सुने होंगे कि हम देह नहीं है हम आत्मा है लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ फायदा नहीं है आ, विज्ञान की आवश्यकता है और ये विज्ञान क्या होती है कि क्योंकि मैं ये दे नहीं हूँ और आत्मा हूँ और मैं पूरा अपना जीवन देह का देखभाल करने में मैंने लगाया है अभी इस ज्ञान प्राप्त करने के बाद मुझे क्या करना है मुझे आत्मा का पोषण करना है और ये आत्मा का जो हम बोलते हैं आध्यात्मिक खाना या अन्न उसको तो पोषण क्या है ये भगवान की भक्ति है तो सिर्फ बात करने से फायदा नहीं है या ये ज्ञान सिर्फ समझने से कुछ फायदा नहीं है उसको हमको जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करना है और वो प्रैक्टिकली अप्लाई करने का मतलब क्या है कि हम भक्ति में लगते हैं और हम भक्ति कर रहे हैं साथ साथ में हमारा भौतिक जीवन भी चल रहा है और शरीर के संबंधित बहुत सारे विषय होते हैं या संबंध हम, हमारे शरीर की संबंधित संबंध है पति पत्नी बच्चे पिता, ए, ओ, माता सब संबंधी लोग है ये सब के विषय में भी हम बहुत इतना डूबते नहीं है हमको सब रिश्ते रिश्ताओं और ये देह सबको किस दृष्टि से देखना है ये कि आत्मा की दृष्टि से देखना है कि आत्मा सनातन है आत्मा अमर है और तात्कालिक रूप से इस ये एक प्रत्येक शरीर प्राप्त की है आत्मा उसकी कर्म फल के अनुसार और ये देह जो है वो तात्कालिक है और इस जो हमारा आयुष्य होता है वो उसको वो जब खत्म होती है तो हमको इस देह को छोड़ना पड़ेगा ऐसे कि रेंटल अग्रीमेंट है रेंटल अग्रीमेंट इतने सालों तक रहती है और उसके बाद में हमको अलग दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा तो देह तो देखभाल करने का आवश्यकता नहीं है फिर भी क्योंकि वो एक साधना है या एक वाहन है हम आत्मा के लिए तो उसका थोड़ा बहुत देखभाल करना पड़ेगा उसको ठीक स्थिति में रखना रखने का प्रयास करना पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा इतना ज्यादा कि हम आम आत्मा है यही हम हम इस दे, दे का रक्षण में हम लगते हैं तो ये नहीं करना है ये पहली ज्ञान है तो जो भक्त है उनको भी इसको इस विषय इस इस ज्ञान को अप, अपने जीवन में लाना है कि देह के बारे में इतना सोचता है। सोचना नहीं है हमें और संबंधों के बारे में भी जब हम घर में पति पत्नी बच्चे माता पिता इस सब संबंधों को देखते हैं तो हम सबको आत्मा की दृष्टि से देखना है कि विनोद ठाकुर जी शरणागति के बहुत अठारवे अध्याय में हम जब कृष्ण बोलते हैं कि सर्वधर्मान प्रत्ये मामेकम शरण उस तात्पर्य में प्रोपा जी बोलते हरि भक्ति विलास से बोलते हैं कि शरणागति का मतलब क्या है शरणागति का मतलब है आनुकूलिकेपण्य शरणागति एक अंग है शरणागति के और उसमें एक है तो इस, इस शरणागति के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत सारे भजन लिखे हैं और उसमें वो बोलते है कि पूर्ण शरणागति का मतलब क्या है कि आश्रम में एक व्यक्ति पुरुष या स्त्री अपने आप घर, घर को भगवान का मंदिर मानते मानता है मानती है और अपने आप को उस मंदिर का सेवक मानता है बस और कुछ नहीं मैं इस घर का यजमान नहीं हूँ ये घर देखभाल घर का देखभाल करना मेरा मेरा अकेले अकेले मेरा जिम्मेदार जिम्मेदारी नहीं है भगवान का घर है भगवान देखभाल करेंगे हाँ मैं तो सिर्फ सेवक हूँ इस इस कॉन्शियसनेस में हमें रहना है और जो घर में है वो बाकी सब भक्त है जो वो सब भी भगवान के भक्ति में सेवा में लगे हैं तो उनका देखभाल करना भी मेरा सेवा है इस दृष्टि से हमें हमें सब हमारे रिश्तों को देखना है ऐसे नहीं कि मेरा बच्ची मेरे बच्ची मेरा मेरा पत्नी पति ये ऐसे दृष्टि से नहीं क्योंकि हम क्या करते हैं हमारे हमारे बच्चों को कुछ हो गया हो जाता है तो हम बहुत इतना आतंकित हो जाते हैं और आ किसी दूसरे भक्त का घर में कुछ हो रहा है तो हम उसके बारे में इतना चिंता नहीं करते ऐसे नहीं सब भक्त भगवान के बच्चे हैं और भगवान जब हम भक्तों का भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान बहुत संतुष्ट हो जाते हैं तो ये जो हम भेद करते हैं मेरे घर उनके घर ये हमको छोड़ना है हम सब हमारा ही घर है सब भगवान का घर है हम सेवक है हाँ हमारा घर का भी सेवक है और बाकी भक्तों का भी हम सेवक है तो इस दृष्टिकोण से हमें जीना है हाँ वो ही असली भक्ति है भक्ति इसलिए ये नहीं कि हम साधना कर रहे हैं लोग बोलते हैं हाँ मैं तो रोज सोलह माला जप कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ उस सब का परिणाम क्या होना चाहिए कि हम जीवन में ऐसे जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे जीवन में लाए अः वो ही सबसे मुख्य है ये नहीं कि सिर्फ पु, पुस्तक का ज्ञान उससे कुछ फायदा नहीं है और इस तात्पर्य में प्रभुज एक और बात बोलते हैं कि ज्ञान का मतलब क्या है ज्ञान का असली मतलब है कि जड़ और आत्मा इन दोनों के जो बीच का अंतर है और उसको जानना और इन दोनों का नियंत्रक जो है भगवान उसको उसको भी जानना तो ये असली ज्ञान है हम स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन वो असली ज्ञान नहीं है वो जड़ ज्ञान है वो तात्कालिक ज्ञान है वो असली ज्ञान नहीं असली है असली ज्ञान है ये कि हमको जानना है कि मैं आत्मा हूँ ये मेरा शरीर जड़ है और ये पंचभूत से बनी है और ये तो तात्कालिक है और जब समय आता है वो उस घर को हमें छोड़ना पड़ेगा हम्म ये ज्ञान और ये आत्मा और भौतिक जड़ वस्तु दोनों का नियंत्रक भगवान है ये जानना असली ज्ञान है हम्म तो क्योंकि अर्जुन ये ज्ञान से अभावित था ऐसे नहीं कि वो वो तो अर्जुन तो भगवान का सनातन अनुयायी है तो उसको तो ये ज्ञान पता था लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार वो अज्ञान में पड़ता है वो तो भगवान का इच्छा है इसलिए और वो अभी इस अज्ञान स्थिति में वो पंडित की जैसे तरह बात कर रहा है लेकिन वो असली पंडित नहीं था क्योंकि उसको ये ज्ञान पता नहीं था हम्म तो हम देखते हैं इस आधुनिक जगत में बहुत सारे लोग बात करते हैं, इतने बड़े बड़े बात करते हैं, इतना बड़ा ज्ञानी विज्ञानी प्रोफेसर सीईओ ये वो लेकिन सब अज्ञानी है क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि वो कौन है और वो बाकी लोगों को लोगों का मार्गदर्शन लोगों के लिए मार्गदर्शन देते हैं तो ये तो सरासर बेमानी है चीटिंग है तो ये ठीक नहीं है इसीलिए हमको ज्ञान हम जब प्राप्त करते हो सिर्फ हमें साधु से प्राप्त करनी है क्योंकि तो असली साधु है जो बोलता है कि तुम देह नहीं हो तुम आत्मा हो और उसके हिसाब से तुम तुमको अपना जीवन जीना है तो ये देह आत्मा के कंपैरिजन में इतना प्रमुख महत्वपूर्ण नहीं है हा? हम अपने पूरा जीवन इस देह के देखभाल में लगे लगे हैं लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद देह को सिर्फ एक वाहन की तरह देखना है और उसका अगर हमारा व्हीकल है और पंचर हो गई तो उसको हम ठीक करवाएंगे हम्म ये नहीं कि वो मेरा पंचर हो गया ऐसे सर के ऊपर हाथ रख के बैठेंगे बैठते नहीं ना इसी तरह हमको अपने देह का कुछ हो गया तो ठीक है जो करना है वो करेंगे डॉक्टर के पास जाना है तो जाएंगे आएंगे लेकिन उसके ऊपर इतना चिंतित हो के या वाहन ही जीवन है नहीं आत्मा है आत्मा किसी भी हालत पे आत्मा भक्ति कर सकती है आत्मा को कुछ रोकने वाले कुछ भी नहीं है रोकने वाला चीज कुछ भी नहीं है इस भौतिक संसार में क्योंकि आत्मा जड़ नहीं है और जो भी इस भौतिक संसार में जो अड़चनाएँ है ये वो सब भौतिक है और वो आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकते नहीं। लेकिन क्योंकि हम ऐसे समझते हैं कि मैं ही ये देह हूँ मैं ही ये मन हूँ तो आत्मा होकर भी ये हम इस भौतिक संसार अपना है ऐसे सोच के हम जी रहे तो वो अटैचमेंट की वजह से हाँ हमको ऐसे लगता है कि नहीं नहीं भौतिक संसार ही सब कुछ है हाँ और इतना अटैच हो जाता है तो कि हमारे भौतिक विषयों को कुछ हो जाता है तो हम भक्ति को ब्रेक दे देते हैं। बोलते नहीं नहीं मेरा थोड़ा थोड़ा तबियत ठीक नहीं है मैं अभी थोड़ा दिनों के बाद जब करूँगा अभी नहीं कर सकता मैं नहीं हित्य की अप्रतिहता भक्ति को हम किसी भी कारण में हमको भक्ति करनी है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इसको तीव्र भक्ति बोलते हैं और भगवान की प्राप्ति तभी होता है जब हम तीव्र भक्ति करते ऐसे नहीं कि जब सब कुछ हमारे जो सिचुएशंस है सब ठीक चल रहा है तब ही मैं भक्ति करूंगा नहीं तो वो सब ठीक होने के लिए वेट करूंगा नहीं ये तो असली भक्ति नहीं है अप्रतित कुछ कारण नहीं है और किसी अड़चनों से वो झुकता नहीं है भक्ति ऐसे भक्ति करनी है और उसको तीव्र भक्ति बोलते हैं और सामान्य रूप से इस कान में बहुत सारे लोग इसके बारे में बोलते नहीं है बोलते ठीक है आराम से करो क्योंकि लोगों को डर है कि अगर हम इतना जोर से बोलेंगे कि कुछ भी हो जाए भक्ति करो लोग भाग जाएंगे लेकिन प्रभुपा जी कभी भी ऐसे नहीं कहे कि ठीक है हो सकता है तो करो प्रभुपा जी हर हर उनके तात्पर्य में हम देखते तो तीव्र भक्ति का ही वो प्रस्ताव करते हैं तो हमें इसको समझना है ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है तो कोई मरता है तो हम हम देखते हैं बहुत सारे लोग रोते हैं मेरे पिताजी छह साल पहले देह छोड़ दिया कैसे देह छोड़ा उन्होंने कैसे नाम के बीच में अपना शरीर छोड़ा तो और ये तो सन्यासी जैसे मरण बोलते हम्म और उन, उनका क्या योग्यता थी कुछ नहीं वो सा, साधारण व्यक्ति थे भक्ति कर रहे थे लेकिन उनका एक ही ये था कि वो एक मिनट भी वेस्ट नहीं करते थे हर समय वो सिर्फ जब करते थे या कृष्ण बुक पढ़ कृष्णा बुक पढ़ते थे इतना बार उन्होंने कृष्णा बुक पढ़े थे कि समय में वो हॉस्पिटल में थे और बहुत उनका आस्थमा का प्रॉब्लम था लेकिन वो उस समय में इतना उत, खासी आ रही है और बात भी नहीं कर सक रहे वो लेकिन रात में तीन बजे मैं जगता हूँ तो बहुत खास रहे तो मैं जाके पिताजी को बोला कि आप थोड़ा मैं कुछ पानी दूं क्या कुछ डॉक्टर को बुलाऊ ऐसे लेकिन उस स्थिति में वो मुझे कृष्णा बुक से कृष्ण लीला बोल रहे बता रहे कि ये तुमको ये लीला याद है ना तुमको ये लीला याद है ना मैं सोच रहा था कि क्या है ये, ये ऐसे आ, कैसे इस हंत तक हम पहुंच सकते हैं उन्होंने सिर्फ प्रोपा का जो उपदेश था उसका पालन की जी बोलते हैं कि सोलह माला जब करो चार नियंत्रक तत्व तो पालन करो और पढ़ो कितना भी जितना भी कृष्ण के बारे में हो सकता है उतना पढ़ो और प्रोपा जी विशेष तर बोलते थे कि सोने से पहले कृष्णा बुक पढ़ो प्रो मेरे पिताजी उसको उसका बहुत अच्छी तरह से पालन किया था तो वो इतने बार कृष्ण बुक पढ़ चुके थे कि उस, उनको ऑटोमेटिकली मन में कृष्ण का लीला है, आ रहे है और आ रहे है और बोल रहे है। और इतना वो कृष्ण में मग्न थे कि आखिर में वो, वो हरि नाम के बीच अपना देह छोड़ा और तब मेरा सब मेरा भैया मेरे सिस्टर मेरे संबंधी सब आए और मैं तो बहुत कुछ था कि ऐसे तो कोई मरता नहीं है और मेरा इतना आ, इतना आनंद में था और सब लोग देख के पूछने पुछ, लगे कि क्या हो गया तुम्हारे घर में कुछ उत्सव चल रहे या किसी का मरण हो गया <coughs> 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 तो मैंने उनको बोला कि ये मरण नहीं है ये तो मृत्यु नहीं है आ, ये तो मेरे हिसाब से ये तो भगवान की वो वृंदावन चले गए मेरे पिताजी और सब भक्त आए और इतना जोर से हम हमारे घर में कीर्तन हुआ और वो भी तो सब चरित हो गए कि ये क्या है ऐसे भी हो सकता है ना? तो ये असली जो एक व्यक्ति आचार्यों का जो उपदेश है उसका पालन करता है उसका जीवन ऐसे अंत उसका जीवन का अंत ऐसे होता है भव्य अंत है ये ये मेरे लिए तो इतना बड़ा टीचिंग था वो कि सिर्फ हमको सिर्फ ये तीव्र भक्ति का आज्ञा जो है उपदेश है उसको सिर्फ पालन करना है बस बाकी कुछ सोचने का जरूरत नहीं है लेकिन लोग डरते हैं ऐसे तीव्र भक्ति करने के लिए बोलते नहीं 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 अपना जीवन का सब कुछ हमें ही देखभाल करना है भगवान बोलते ठीक है, है भगवत गीता में बोलते हैं कि योगक्षेम वाह हम यम ऐसा सतदाम बुद्धि योगम तम एनम भगवान ऐसे बहुत सारे जो प्रतिज्ञा है और भाषा वो वचन देते कि नहीं तुम्हारा सब सब कुछ देख पाल कर देख देखूंगा तुम भक्ति करो बस और लोग बोलते नहीं 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 हमको हमारे जीवन का सब कुछ विषय को हमको ही देखना पड़े पड़ेगा हम्म तो इसका मतलब ये है कि हमको कृष्ण के बातों में श्रद्धा नहीं है कृष्ण बोल रहे इतना चिंता मत करो अपना कर्तव्य करो बाकी छोड़ दो मेरे ऊपर तुम अपने जीवन के विषयों के बारे में तुम खुद सोचोगे तो मेरा क्या काम है मैं नहीं सोचूंगा तुम सोचो फिर हुँ? तो अगर हम सोचेंगे तो कृष्ण हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो हमको हमारे जीवन के बारे में इतना सोचने का आवश्यकता नहीं है इतना चा... ये उतना करना है बस अभी जब हम डूब रहे हैं तो कितना भी हम उसके बारे में सोचे क्या फायदा डूब ही रहे हैं तो कोई आके हमें बचाना पड़ेगा बाहर से खींचे खींचना पड़ेगा हमको तो वो भगवान करेंगे वो काम क्योंकि जब हम आप हमारा सब कुछ भगवान को अर्पण अर्पण कर देते हैं तो भगवान हमारा भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन सबका देखभाल करेंगे तो ये असली ज्ञान है जब हम समझते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ तो इस तरह तीव्र भक्ति हमें करना है तो ये थी ये ग्यारवा श्लोक आ, इसके साथ हम यही समाप्त करते हैं और अगले सेशन में हम अगले श्लोक से हम्म प्रारंभ करेंगे प्रश्न है या संशय है तो पूछ सकते हैं हरे कृष्ण श्री गीता की जय जगत हरे कृष्ण